गुड मॉर्निंग मैम। सो वेलकम एवरीवन टू योर कंप्यूटर क्लास। टुडे वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर कंप्यूटर बुक, दैट इज कंप्यूटर मेमोरी। हमने ये चैप्टर कल लिया था एंड यस्टरडे वी हैव डन टिल टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमने सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ठीक है, जिसको हम पेन ड्राइव बोलते हैं, और हमने ये सारी चीजें कर ली थी एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट रेज योर हैंड फर्स्ट। यजत ने पूछा है पहले पोर्टेबल हार्ड डिस्क। ठीक है, सो पोर्टेबल हार्ड डिस्क क्या होता है? पोर्टेबल मीन्स जो चीज आप इजिली कैरी कर सकते हो। द थिंग्स विच यू कैन कैरी इजिली आर पोर्टेबल, जैसे कि आपका फोन हो गया, ठीक है, और आपका लैपटॉप हो गया, आपकी पेन ड्राइव होगी, ये चीजें आप इजिली कैरी कर सकते हो, यस ना? तो ये क्या है? पोर्टेबल। तो सिमिलर टू दैट एक हार्ड डिस्क भी आप अपनी मार्केट से खरीद सकते हो। आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, इसके अलावा आप एक हार्ड डिस्क और खरीद सकते हो जिसको बोलते हैं पोर्टेबल हार्ड डिस्क। ठीक है, जो ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती है ना, ये क्या करती है? आपको हेल्प करती है आपका वर्क सेव करने में इन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है, एक आप बाहर से और डलवा लें, ठीक है, एक आपने खरीद ली मार्केट से, तो दो हार्ड डिस्क आपके पास होगी। सो आप ज्यादा डेटा स्टोर कर पाओगे उसके साथ। ठीक है, उसके साथ जैसे चार्जर की पिन नहीं होती जो हम चार्जर को लगाते हैं, उसको पिन को लगाओ और आप अपना काम जो है आप अपनी पोर्टेबल हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हो। हाँ जी मिस बा, रेज योर हैंड, यू रेज योर हैंड ना, अनम्यूट करो। यस मैम, मैम आपने बताया था कि हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 5 TB तक ही होती है, पर मैम जो ये वाला टेबल है इसमें तो कितनी सारी है, 1 TB पीटी, बहुत ज्यादा, देखो कितनी ज्यादा स्पेस है, पर जो हमारे लिमिटेड है ना, जो हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग है, जो मैं नॉर्मल, जो हमें कॉमन पीपल को हमें चाहिए, आपको चाहिए, आपके ऑफिस में चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट इतनी होती है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए होती। ये बहुत मैम आपने ओके तो मैम एक और था कि आपने कहा था 1 byte होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, तो मैम 1 byte भी तो 8 bits से बनता है, तो बिट नहीं हुआ स्मॉलेस्ट यूनिट? जब अकेला है ना, जब बिट अकेला पड़ा हुआ है, बताइए अकेला 0 पड़ा है, अकेला 1 पड़ा है, उसको उसका मतलब ही नहीं पता। जब वो इकट्ठे होके ग्रुप बन के 8 bit इकट्ठे हो जाते हैं, 1 byte बन जाती, तब कंप्यूटर को समझ आता है अच्छा मिसबा ने अपने नाम का एम दबाया है, तब उसको पता लगता है, उससे पहले नहीं उसको पता लगता। भूमिका, एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुझे ब्लू रे डिस्क नहीं समझ आई। ब्लू रे डिस्क क्या होती है बेटा? एक ब्लू कलर की डिस्क है, ठीक है, एक सीडी है, एक डीवीडी है, एक ब्लू रे डिस्क है। जो ब्लू रे डिस्क होती है ना, वो सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करती है एज कम्पेयर टू सीडी एंड डीवीडी। ठीक है, जैसे हम सीडी है ना, सीडी की तो एक साइड पे वर्किंग होती है ना, जो शाइनी सी सरफेस आती है आपको नजर, चमकती होती है ना, तो वही आप यूज कर सकते हो, पर ब्लू रे डिस्क की दोनों साइड आप यूज कर सकते हो, 25 GB ऑन ईच साइड। ठीक है, सुभाष ओके मैम। मैम तो फिर इन मैम डीवीडी और सीडी से इसके ब्लू रे डिस्क की ज्यादा होगी ना? हाँ जी, उसकी ज्यादा स्टोरेज। हाँ जी बेटा, ओके मैम, ओके बेटा। सुभाषु, जो आप कंप्यूटर करवाते हो ना, वो उनके स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। जो हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करवाते हो बुक से? नहीं, वो लर्न नहीं करने होते, जो आपको मैं अंडरलाइन करवाती हूँ ना आपकी बुक में से, आपके चैप्टर में से, उसको मतलब yes, कि आपने दोबारा रीड करना है। ठीक है, यू हैव टू रीड इट अगेन, इसलिए मैं आपको अंडरलाइन करवाती हूँ। हाँ जी, यजत मैम, जैसे आपने कहा कि हमारी स्टोरेज ये 1 TB तक ही होती है सिर्फ, और हार्ड डिस्क भी 5 TB तक ही आती है, तो अगर मैम मान लो किसी को YB तक ही स्टोरेज चाहिए, तो हार्ड डिस्क तो 1 TB तक ही रहेगी ना, तो और वो डलवा ले, मैक्सिमम जितनी उसको स्पेस चाहिए वो और डलवा ले, पर उसको YB तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 1 TB बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी हितेश जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटे। मैम YB से भी आगे कोई टर्म होती है? अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। ओके मैम। मिसबा,
मैम तो जैसे अभी पता नहीं किसी ने पूछा था कि ब्लू रे डिस्क, तो मैम ब्लू रे डिस्क आपने कहा 25 GB होती है बोथ साइड्स की, तो मैम उसको अगर हम जैसे कि सीडी को शाइनी वाली साइड हम ऊपर रखते हैं ना, तो मैम अगर इसको दोनों साइड पे करेंगे, जैसे हमने अपना डेटा एक साइड पे स्टोर किया, तो मैम अगर हमको उसको दूसरी साइड करेंगे तो उधर भी डेटा आ जाएगा ना, अगर खाली जिस साइड पे स्टोर किया उसी साइड पे आएगा। और मैम इसकी टोटल 50 GB हुई ना कैपेसिटी, 50 GB होगी। ठीक है व्यजत आप वेट करो, आपकी टर्न में लेती हूँ, ठीक है दोबारा फिर से लेती हूँ। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन वी वर डूइंग, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रूम, क्या आएगा आंसर राइट इन द चैट विंडो एवरीवन। वेरी गुड, डबल ई आर ओ एम रूम, तो ये रॉन्ग है बिकॉज ऐसी कोई रूम हमारे पास नहीं है। अगर इसमें होता P लगा हुआ डबल ई पी रूम देन ये आंसर करेक्ट होता। ठीक है चलिए नंबर टू, इट इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट, सीपीयू कैबिनेट जो सिस्टम यूनिट होता है उसके अंदर होती है, इसको क्या बोलते हैं। वेरी नाइस भाविक रुचित, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, इट्स सी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है। ठीक है चलिए नंबर थ्री, 1 TB इज इक्वल टू डैश, ठीक है अब 1 TB को आपको टीबी लर्न करना है, टीबी से पहले क्या आएगा जीबी, अब जीबी वाला ढूंढो कौन सा है। वेरी गुड 1024 GB, दैट इज आंसर नंबर बी। ठीक है क्लियर, ये तो हो गया सबका। एंड नाउ मूविंग ऑन टू नंबर फोर, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मीन्स जिसकी पावर सॉरी जो अपना डेटा लूज कर जाए व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, ठीक है डेटा उसका खत्म जब उसकी पावर हमने बंद कर दी। एंड आंसर लिखिए इन द चैट विंडो, वेरी नाइस अवनी लवली वेरी गुड रुचित, रुचित एक बार लिखा करो बेटे, ओके जपनीत भूमिका नवनीत वेरी गुड, आंसर इज रैम। हां जी बेटे जो बी बॉल वाला है ना आंसर, दैट इज अ करेक्ट वन, डबल ई आर ओ एम लिखा है तो वो रॉन्ग है। ठीक है वो है आपका टेक द करेक्ट ऑप्शन में बी पार्ट। ठीक है नंबर फाइव, मेमोरी कार्ड आर ऑल्सो नोन एज मल्टी मीडिया कार्ड, वेरी गुड वेरी नाइस भार्गवी, वेरी गुड मिसबा अपनी, वेरी नाइस सारे बच्चे लिखो, वेरी गुड एंजल मनोबल, वेरी गुड असीस, वेरी नाइस हर्षिका, वेरी गुड आंसर इज बी मल्टी मीडिया कार्ड, जो हमारे मेमोरी कार्ड एस डी कार्ड होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है चलिए आज हमने करना है स्टार्टिंग विद बी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन पेज नंबर 22 आज हमने करना है। चलिए पहले आप खुद करेंगे देन वी विल डिस्कस द सेम। चलिए लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन, ऑल द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश, आंसर नहीं बताना, रुको रुको आंसर नहीं बताना, आई नो यू ऑल नो द आंसर, वेरी गुड ध्रुविका भार्गवी, ठीक है आंसर नहीं बताना अभी, रुको यजत ने कर लिया, वेरी नाइस। लेट मी फर्स्ट आपको सबके मीनिंग बता दें एक बार, फिर बच्चे अपने आप करेंगे, देन वी विल डिस्कस। ठीक है नो नीड टू रेज हैंड, आराम से लोअर कर लो अपने हैंड, अभी हमने नहीं करना है इनको, पहले बच्चे सारे करेंगे। ओके चलिए, ऑल द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश, कि जितनी भी कंप्यूटर में आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप क्लिक करते हो, जो भी आप देख रहे हो, कंप्यूटर को क्या समझ आता है। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन इज डैश हैज लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी देन अ सीडी एंड अ डीवीडी, अभी जो मनोबल सॉरी हमारी मिसबा ने एंड जो अभी भूमिका ने क्वेश्चन पूछा था, ये आंसर उसी का है, सीडी एंड डीवीडी से ज्यादा क्या होता है, जस्ट जो यू हैव डन वेरी गुड। चलिए नंबर थ्री, सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन, ठीक है जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो स्लोअर किससे होती है। एंड नंबर फोर इज डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है कंप्यूटर मेमोरी सबसे छोटा सा क्या होता है, मिसबा ने पूछा था, आज ही क्वेश्चन पूछा है, यू विल राइट द आंसर्स हियर। एंड देन अ स्टैंडर्ड सीडी कैन स्टोर अप टू डैश, जो नॉर्मल सी हमारे पास सीडी है वो क्या कितना डेटा स्टोर कर सकती है, यू विल राइट हियर। ठीक है चलिए आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक ऑल द आंसर्स, ब्लू बॉक्स में आपको लिखा हुआ है कीजिए, टिल द टाइम यू विल राइट डन इन द चैट विंडो जिसका हो जाए। And I am seeing over here, we are 52 in number, 52 बच्चे हैं, we are over here,
वेरी नाइस वेरी नाइस, सारे बच्चे करेंगे। गुरनाज, गुल्ली, गुशान, बेटा रिस्पॉन्स दिया कीजिए इन चैट विंडो, वेरी गुड। केशव ऑल्सो, ओके, किरण, लवली, माधव करते हैं, बच्चे अच्छे हैं ये सारे। ओके बेटा, नेम विद ऋतु शर्मा, यू हैवंट रीनेम्ड योरसेल्फ बेटा। सहजदीप, रिस्पॉन्स दिया कीजिए बेटा आप भी। ओके स्पर्श सुभाषु, वेरी गुड वेरी गुड। सुभाषु डन, वेरी नाइस। यजत, लिव नहीं करता रिस्पॉन्स, नेवर ही गिव्स रिस्पॉन्स, ओके, कभी कभी करता है, कभी कभी जागता है ये। बाकी बच्चे एठा ऑल्सो गिव रिस्पॉन्स, ध्रुव, ये ध्रुव हमारा फिफ्थ रेड वाला है या फिफ्थ ब्लू, गुप्ता है ये चावला बेटा, लिखिए इन द चैट विंडो या रीनेम कीजिए सो दैट आई कैन सी। अथर्व ऑलवेज गिव रिस्पॉन्स, एंजल, अंकिता सब रिस्पॉन्स करते हैं, ओके ये सारे बच्चे ठीक है। आदित्य पांडे जी कभी कभी आते हैं क्लास में, है ना। चलिए बाकी बच्चों का डन हो गया है, लेट्स चेक द आंसर्स नाउ। नंबर वन, ऑल द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन, ठीक है। चलिए भार्गवी, वेरी गुड। ऑल द इंफॉर्मेशन, जितनी भी कंप्यूटर में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो वो सारी किसकी फॉर्म में होती है, जीरो या वन की फॉर्म में, ठीक है। और जीरो और वन को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, राइट इन द चैट विंडो, लेट मी सी, राइट इन द चैट विंडो, लेट मी सी, बाइनरी, वेरी गुड, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। और इनको जीरो और वन को बोलते हैं बाइनरी डिजिट, ठीक है। लैंग्वेज ये कौन सी, बाइनरी लैंग्वेज है, इनको बोलते हैं बाइनरी डिजिट या इनको बोलते हैं बिट्स, BITS बिट्स, ठीक है, तीनों ठीक है आपके, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, डैश हैज अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ सीडी एंड अ डीवीडी, सीडी और डीवीडी से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, ऑफ ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे में भी ठीक है, BLU डालना है, ई नहीं डालनी आपने, ठीक है, उसकी स्पेलिंग है BLU, रे डिस्क, सबसे ज्यादा इसकी होती है कैपेसिटी एंड इट कैन स्टोर 25 GB ऑन ईच साइड ऑफ इट। नेक्स्ट नंबर थ्री इज सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन डैश, जो कि है हमारी प्राइमरी मेमोरी और जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनल और मेन मेमोरी, ठीक है, तो इससे ज्यादा वो स्लोअर होती है। चलिए नंबर फोर, डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स, मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, ओके मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज अ बाइट, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज नोन एज अ 1 byte, ठीक है, जब 8 बिट इकट्ठे हो जाए तो वो क्या बनता है, 1 byte। नेक्स्ट इज नंबर 5, अ स्टैंडर्ड सीडी कैन स्टोर अप टू डैश, जो कि है 700 MB, वेरी गुड जपनीत, अथार वेरी नाइस, गुडनास वेरी गुड, एंजल, अ स्टैंडर्ड सीडी, जो नॉर्मल सीडी होती है हमारे पास, वो कितना डेटा स्टोर कर सकती है, अप टू 700 MB। दोज हु हैव डन टिल नाउ सेंड मी यस इन द चैट विंडो, यस लिख दो जिस दिन बच्चों का इतना वर्क डन हो चुका है, वेरी गुड वेरी नाइस, बच्चों का हो चुका है। एंड बेटा इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सबके लिए है ये आपको इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग, दैट यू आर टू फिल द अटेंडेंस फॉर्म इन गूगल, ठीक है, आपको गूगल फॉर्म मैं देती हूँ ना आपको फिल करने के लिए, टू मार्क योर अटेंडेंस, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप सब बच्चे अपनी फिल करके जाया जरूर करो अटेंडेंस, कई बच्चे ऐसे हैं जो फिल नहीं करते, ओके, सो यू नीड टू मार्क योर अटेंडेंस इन द गूगल फॉर्म, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, ओके ओके गुरसिमर, इट्स ओके बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, आई नो आप रिस्पॉन्स देते हो, ओके डोंट वरी। ओके राइट नाउ आई हैव नॉट शेयर्ड द गूगल फॉर्म, डोंट वरी, आई विल शेयर एट द एंड। चलिए आंसर्स इन वन वर्ड, ठीक है, एक वर्ड में ही आपने आंसर लिखना है, कोई लाइन ही आपने इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करनी, रुको एंजल वेट तो करो, एंजल वेट करो, चलिए पहले बच्चे करेंगे फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे, रशिका वेट करो बेटे। चलो नेम द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर समझ सकता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। नंबर टू, विच मेमोरी इज ऑल्सो नोन एन ऑक्सिलरी मेमोरी, जो बाहर वाली एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसका एक और नेम बताना है आपने, भूमिका वेट करो, ठीक है, उसको हमने लिखना है यहाँ पे। नंबर थ्री इज विच टाइप ऑफ मेमोरी कुड सीपीयू असेस डायरेक्टली,
जो सीपीयू के अंदर जो है उसके साथ ही पड़ी हुई है एक ऐसी मेमोरी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली उसको असेस कर सकता है, तो उसका नेम आपने यहाँ लिखना है। नेक्स्ट कम नंबर 4, व्हाट इज द अदर नेम फॉर फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव का एक और नेम आप लिखोगे। एंड देन नंबर 5 इज हाउ मच डेटा कैन अ डीवीडी स्टोर, डीवीडी जो है वो एक टाइम पे कितना डेटा स्टोर कर सकती है, यू विल राइट ओवर हियर। चलिए शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल डन हर्षिका, वेरी नाइस, गुनास डन ऑल्सो, सारे बच्चे करेंगे। लेट मी सी नाउ अटेंडेंस ओवर हियर, 53 स्टूडेंट्स आर हियर, जयंत वेरी गुड सारे बच्चे, अंकिता करिए, अथर वेरी नाइस, आयुष, भार्गवी, भारती करिए शाबाश, वेरी गुड, हितेशी, हर्षिका ने कर लिया है। अटेंडेंस नहीं भेजा मैंने, आई विल शेयर नाउ, वेट आई विल शेयर एंड आई शेयर इट अगेन एंड अगेन, यू कम टू नो अबाउट इट। ओके एधा जल्दी कीजिए, गुरनाज, गुलीन, यस, गुरशान, गिफ्ट रिस्पॉन्स, वेरी गुड, ओके जसजोत ने भी कर लिया होगा आई होप सो, कामाक्षी, किरण, वेरी गुड, लवली, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये बेटा आप क्या फॉर्म शेयर कर रहे हो इन द चैट विंडो, बेटा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा कुछ भी आपने शेयर नहीं करना ओवर हेयर, इट्स ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके लेट मी सी नाउ बच्चों के रिस्पॉन्स, ओके भूमिका ने कर ली है बैक साइज, वेरी गुड, एंजल ऑल्सो डन, ओके अंगद डन, चलिए आई डोंट नो द आंसर फॉर 3, चलिए एंजल ये डिस्कस कर लेंगे, चलिए ओके बाकी बच्चे करिए, एंजल आई विल गिव यू अ हिंट, आपको हिंट देते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी के ऑपोजिट मेमोरी होती है, सेकेंडरी के ऑपोजिट आएगी तो ये कौन सी होगी, इधर डन वेरी गुड, संचिता ऑल्सो डन वेरी नाइस, चलिए चलते हैं। नंबर 1, नेम द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज अ बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज अ बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है बेटा, कैन यू कंफर्म माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू, इफ माय स्क्रीन इज विजिबल गिव मी अ थम्स अप, अगर आपको नजर आ रही है, यस थैंक यू सो मच, ओके नेम द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, तो वो कौन सी है, एक बाइनरी लैंग्वेज है, ओके नंबर 2, आ जाइए नंबर 2 पे, विच मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी मेमोरी, जो बाहर वाली मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सो सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी, आई होप द स्टूडेंट्स आर डूइंग विद मी, आई एम सीइंग द वीडियोस ओवर हियर ऑल्सो, बच्चों की वीडियोस नजर आ रही हैं एंड बच्चे कर रहे हैं वर्क, दैट इज वेरी गुड, ओके चलिए नंबर 3, विच टाइप ऑफ मेमोरी कुड सीपीयू एक्सेस डायरेक्टली, ठीक है, तो इसका आंसर एंजल ने ढूंढ लिया है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो अंदर ही होती है, आपके सिस्टम के अंदर रहती है, तो उसी की वजह से सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर इट इज प्राइमरी मेमोरी। नंबर 4, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव का दूसरा नेम, वेरी गुड हर्षिका, कामाक्षी, जसजोत, वेरी नाइस, इट्स पेन ड्राइव, भार्गवी, वेरी गुड बेटे, सुभांशु, वेरी नाइस, इट्स अ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को बोलते हैं फ्लैश ड्राइव, वेरी गुड। चलिए नंबर 5 नाउ, हाउ मच डेटा कैन अ डीवीडी स्टोर, चलिए शाबाश शाबाश, भार्गवी, निधिमा, वेरी गुड वेरी गुड, जपनीत, वेरी नाइस, गुरशान, एंजल, वेरी गुड स्पर्श, अथर, वेरी नाइस, इट्स 4.7 GB, हाउ मच अ सीडी कैन स्टोर, हाउ मच अ सीडी कैन स्टोर, राइट इन द चैट विंडो, सीडी कितना स्टोर कर सकती है, सीडी कम करती है स्टोर, 700, वेरी गुड निधिमा, वेरी नाइस, भार्गवी, एंजल, जयंत, वेरी गुड, बच्चों को समझ आ गया है आई थिंक सो, है ना, आई होप सो सबको आ गया हो, ठीक है, बाकी बच्चे जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हमें बैठे हुए हैं तो बेटा रिस्पॉन्स दीजिए, आई एम सीइंग ओवर हियर इन द चैट विंडो, आई एम सीइंग कि आप क्या लिख रहे हैं, वेरी नाइस, इट्स 700 MB, वेरी गुड। चलिए नाउ कम्स क्वेश्चन आंसर ओवर हियर, तीन क्वेश्चन पार्ट पे आ गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 पे आपके लिए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैम सारा चैप्टर क्लियर है, ओके वेरी गुड, Blu-ray is 25 GB on each side. Very nice, Bhargavi. Chaliye. So first question is, what is a computer memory? Let's list its type.
ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी कहता होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती है. सो वी विल फर्स्ट सी ओवर हियर, आपको भी नजर आ रहा है ऑन योर स्क्रीन, अ कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की, मतलब कि हाउ डेटा कैन अ कंप्यूटर स्टोर, उसको बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी. भाविक प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू सो मच भाविक. ओके, तो कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर. अब इसकी टू टाइप्स होती हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी. गुरनाज आई थिंक सो आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, रीज्वाइन अगेन इफ यू फेसिंग प्रॉब्लम, दोबारा रीज्वाइन कर लो. ठीक है, या अपनी पोजिशन चेंज कर लिया करो. अ कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है. जसजोत इफ यू कैन राइट नाउ देन यू कैन राइट, दैट्स ओके. अगर आपको बाद में करना है देन आई विल शेयर द आंसर की इन द इन योर क्लास ग्रुप. ओके एंजल, डन विद द क्वेश्चन नंबर वन, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलिए बेटा, एंड डोंट वरी अबाउट इट कि अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रह जाए तो मैं शायद क्या करूंगी या करूंगा. डोंट वरी, आई शेयर द पीडीएफ विद यू इन योर क्लास ग्रुप, आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो. ओके, घबराना नहीं है कि मैम मुझे पता नहीं लगा मैं कैसे करूंगा या करूंगी. ठीक है, गुरनास को वॉइस क्लियर है, वेरी गुड. ठीक है, चलिए अब क्लियर है. हर्षिका ऑल्सो डन, बाकी बच्चे भी करेंगे. कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, स्पेलिंग ऑफ स्टोरेज एंड कैपेसिटी, सी ओवर हियर, स्पेलिंग देखेंगे सारे बच्चे, STORAGE, स्टोरेज. ठीक है, जितना डेटा वो स्टोर कर सकती है अपने पास, दैट इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर. अगर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा आंसर है देन ही और शी कैन स्पीक. है एक्स्ट्रा, अगर आपको कुछ समझ आता है कंप्यूटर मेमोरी मैम इसको बोलते हैं तो आप मुझे बता सकते हो ना. हाँ जी मैम. हाँ जी बेटे, फर्स्ट किसने बोला बेटा अभी, मैम? मैम यज्जत. यज्जत, हाँ जी बेटे. मैम इससे हो सकता है कि कंप्यूटर मेमोरी इज द कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर स्टोरेज विच कैन स्टोर फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस एटसेट्रा. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, वेरी नाइसली आंसर गिवन बाय यजत, बहुत अच्छा आंसर दिया है. और मुझे कोई आंसर बताएगा, एनीवन एल्स जो मुझे बता दे कि मैम मुझे ये समझ आया कंप्यूटर मेमोरी में. ओके, गुशान को समझ आया तो स्टोर डेटा, वेरी गुड. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी भूमिका. मैम मुझे पता है इसमें क्या आ सकता है. जी बेटा. मैम इसमें आ सकता है कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन स्टोर द फाइल्स वीडियोस एक्सेट्रा परमानेंट. ठीक है, और मैम कंप्यूटर मेमोरी ऑफ टू स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरी और परमानेंटली. कंप्यूटर मेमोरी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. बिल्कुल ठीक आंसर, वेरी गुड. एंजल ने बताया. हां जी बेटे. मैम हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैम आपने बोला ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, मैम इसके हम पार्ट्स भी लिख सकते हैं. बस यही पार्ट्स लिखो आप, कंप्यूटर मेमोरी के टू पार्ट्स लिखो, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके आगे मत लिखना. ठीक है, इसके आगे नहीं जाना, बस अपने पार्ट्स लिखने. अ कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर, साथ साथ में ही लर्न कर लिया करो. देखो कितना इजी है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर. ये डेटा स्टोर कर सकता है परमानेंटली और टेम्परेरी, इट कैन स्टोर डेटा टेम्परेरी और परमानेंटली. कौन सी टू टाइप्स है, वन इज प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन. शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे करें. चलिए आगे करते हैं. चलिए डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम. अब ये रैम और रोम का डिफरेंस है. हाँ जी एंजल. एंजल मैम फर्स्टली रैम RAM RAM is RAM random access memory. RAM stores the data, instruction and information temporarily. And on the other hand, the ROM stands for read only memory.
It is a type of memory from which you can only read the information stored in it. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. एंजल बहुत अच्छा आंसर बताया आपने. वेरी गुड एंजल, वेरी नाइस. बहुत अच्छा आंसर था एंजल फ्रॉम योर साइड. क्लैपिंग एवरीवन, सबको क्लैप करनी चाहिए एंजल के लिए. बहुत अच्छा आंसर बताया. चलिए सो रैम एंड रोम, लेट्स सी नाउ. हमारे पास जो मैंने ये लिखे, मैंने ऐसे लिखा ना, बीच में लाइन ड्रॉ करके लिखा है. आप भी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है? एक सिंपली पेंसिल के साथ ही अपनी लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है? मैंने लिखा है रैम एंड रोम ऑन टू साइड्स. मेरे दो साइड्स पे लिखा है रैम और रोम लिखा है एक साइड पे. चलिए सबसे पहले मैंने क्या डिफरेंस में लिखा है, रैम की फुल फॉर्म. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? चलिए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है थर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप भी. और मेरे बच्चों ने किसने आंसर दिया है, लेट मी सी ओवर हियर. ओके, अथर्व ने बताया है और है जसजोत, ठीक है? चलिए, सेकंड इज डिफरेंस इज इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है? एक फर्क ये भी हो गया कि जो रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी है. आफ्टर द पावर जो टर्न ऑफ कर देते हैं हम उसको, जब पावर चली जाती है, डेटा खत्म, आपकी जितनी भी डेटा होती है इन रैम वो सारी की क्या हो जाती है, वो फिनिश हो जाती है, वो इरेज हो जाती है, ठीक है? पर जो रोम है उसमें क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, उसका डेटा कभी लूज नहीं होता इवन आफ्टर द पावर इज स्विच्ड ऑफ. अगर आप और लिखना चाहते हो डिफरेंस, व्हाट कैन बी द डिफरेंसेस, रैम इज अ रीड एंड राइट मेमोरी एंड रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? जैसे कि आपकी जो रैम होगी, रैम इज लाइक अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है? रैम कैसा है, एक ब्लैक बोर्ड जैसा है. वर्क करने के बाद जब आपको जरूरत नहीं है, आपने अपना वर्क कर लिया है, तब आप क्या कर सकते हो, उसको इरेज कर दो, तो वो क्या है, एक ब्लैक बोर्ड की तरह. बट जो रोम है वो क्या है, एक नोटबुक है आपकी, एक बुक है आपकी जो आपके पास एवरी टाइम रहती है, ठीक है? जिसपे डेटा कभी इरेज नहीं होगा, ठीक है? तो कितने डिफरेंस देखो, मैंने बिना लिखे यहाँ पे भी आपको बोल बोल के बता दिए कि रैम और रोम में फर्क क्या है. इतना याद रखा करो अपने दिमाग में, एक चीज याद रखो कि रैम है एक ब्लैक बोर्ड, रोम है एक नोटबुक, ठीक है? रैम में क्या है, आपकी जितना भी आपने वर्क किया है आफ्टर वन टाइम वो खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा. रोम में जो आपकी बुक है उसमें आपका डेटा फॉरएवर आपके पास रहेगा, ठीक है? एंड नाउ आई एम ऑल्सो शेयरिंग अ गूगल फॉर्म फॉर योर अटेंडेंस. यू विल मार्क योर अटेंडेंस ओवर हियर. आई हैव शेयर्ड इन द चैट विंडो, ठीक है? आई एम शेयरिंग अगेन एंड अगेन. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है? एंड कंप्लीट दीज टू क्वेश्चंस एंड द बैक एक्सरसाइज डन टिल नाउ. आज की डेट तक जितनी बैक एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है, बेटा कंप्लीट दैट बैक.